हे स्टूडेंट्स, सीबीएसई वर्ल्ड क्लास 10-12 के लिए फाइनली दोस्तों बहुत ही बड़ी सुपर अपडेट निकल के सामने आ रहा है। एक नहीं, आप लोग के लिए दो दो बहुत ही बड़ी अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। सीबीएसई बोर्ड ने फाइनली दोस्तों डिसाइड कर दिया है कि किस दिन आप लोग का रिजल्ट यहां पर आएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट का यहाँ पे एग्जैक्ट डेट जानना चाह रहे थे। दोस्तों एग्जैक्ट डेट जो है हर एक बच्चे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट को लेकर दोस्तों यहाँ पे मीडिया की बात करें तो मीडिया दोस्तों कभी आपको 7 बोल रही है तो कभी 10 बोल रही है, यानी कि कंफ्यूजन हर जगह जो है क्रिएट किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच दोस्तों आप लोग के लिए सबसे बड़ी अच्छी खबर आ गई है। आप लोग यहाँ पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड के दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलर जी ने दोस्तों फाइनली दोस्तों रिजल्ट पर जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सबको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दोनों अपडेट पे बात करेंगे। दूसरी वाली अपडेट दोस्तों वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10-12 के स्टूडेंट्स के लिए, तो दोनों अपडेट को दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से देखिएगा। जल्दी से दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट जैसे ही आएगा आप लोग को दोस्तों सबसे पहले इसी चैनल पे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट पे बात करें तो 10 के हो या 12 के स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स बस जानना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट किस दिन आने वाला है। तो आप लोग यहां पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड के जो संजय भारद्वाज है दोस्तों, ये ऑफिशियली दोस्तों कंट्रोलर जी ने यहां पे दोस्तों दैनिक जागरण से बात किया और उन्होंने दोस्तों एक एक करके देखिए, आप लोग यहां पे सारी चीजों को पढ़ेंगे तो पहला हेडलाइन दोस्तों ये है कि डेट पे दोस्तों यहां पे जो सस्पेंस था वो सस्पेंस को यहां पे खत्म कर दिया है। आप लोग दोस्तों यहां पे सेकंड स्लाइड में आपको पलटू तो यहां पे पूरा स्टेटमेंट दोस्तों एक एक करके आप लोग पढ़िए। रिजल्ट पे दोस्तों सारा सवालों का जवाब दोस्तों इसी यहां पर स्टेटमेंट में आप लोग को यहां पे मिल जाएगा। सबसे पहले रिजल्ट की डेट की बात करें तो आप लोग पहला लाइन यहां पे पढ़िए। यहां पे दोस्तों सीबीएसई बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि क्लास 10 हो या 12 हो, दोनों बच्चों का जो रिजल्ट है हम यहां पे मई के मिड में अनाउंस करेंगे। और ये दोस्तों फाइनल एंड क्लियर कर दोस्तों यहां पे जो है कंफर्म कर दिया गया है। मिड मई का मतलब मिड मई। आप लोग यहां पे पढ़िए, यहां पे और भी पढ़ेंगे दोस्तों तो यहां पे पूरे लाइन में आप लोग पढ़ेंगे तो यहां पे जो ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है इसको आप लोग पढ़िए। निश्चित तौर पे दोस्तों यानी कि बोर्ड दोस्तों ये कंफर्म कर रही है, बच्चों को दोस्तों यहां पे भरोसा दिलाया जा रहा है। आप लोग पढ़िए, निश्चित तौर पे हर हाल में जो है रिजल्ट को अनाउंस कर दिया जाएगा मिड मई तक। अब दोस्तों यहां पे डेट भी जान लीजिए, मिड मई में दोस्तों यहां पे 15 तारीख आ रहा है तो बोर्ड ने कहा है कि 15 तारीख के बाद यानी कि 15 तारीख उसके बाद दोस्तों यहां पे 16 तारीख और 17 तारीख ये डेट्स होंगे जिस दिन दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आएगा। और ये दोस्तों फाइनली ऑफिशियली स्टेटमेंट है, यहां पे दोस्तों कोई भी डेट में चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के कंट्रोलर संयम भारद्वाज जी ने दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया है। अभी तक का दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों यहां पे अपडेट होने वाला है रिजल्ट को लेकर, दोस्तों सबसे बड़ा ऑफिशियली डेट यहां पे दोस्तों फाइनली दे दिया गया है कि 15 तारीख यानी कि 15 तारीख या 15 मई के बाद दोस्तों यहां पे रिजल्ट आपका हर हाल में आ जाएगा। 100% दोस्तों बोर्ड यहां पे कंफर्म कर रही है। अब दोस्तों कोई भी डाउट आपके अंदर रिजल्ट को लेकर नहीं होना चाहिए। रिजल्ट जैसे ही आएगा तो मैं आपको जो है लाइव आकर जो है सभी बच्चों का रिजल्ट भी चेक कर दूंगा, आपके परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर दूंगा। तो जरूरी है अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं सेकंड अपडेट पे। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चन की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों सेकंड अपडेट में ही कहा है कि काफी सारे उनके पास मेल्स आ रहे हैं 10 का भी और 12 का भी कि उनके पास एडमिट कार्ड नहीं है, तो ऐसे में वो अपना रिजल्ट को कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट चेक करने के लिए दोस्तों आपको यहां पे एडमिट कार्ड आईडी की नीड होती है और ये एडमिट कार्ड आईडी दोस्तों आपको आपके एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे में सभी स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए, जिनके पास एडमिट कार्ड है उनके लिए अच्छी बात है, सभी बच्चों के पास ऑलरेडी एडमिट कार्ड होगा। आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एडमिट कार्ड खो गया होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। बोर्ड ने कहा है कि हमने अपने वेबसाइट पे जो है रोल नंबर फाइंडर करके जो है कि यहां पे पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया है, जहां पर 10 के और 12 के स्टूडेंट जाकर जो है अपने रोल नंबर और साथ ही साथ पूरा एडमिट कार्ड को जाकर देख सकते हैं, यानी कि वर्चुअली एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं जिन बच्चों के पास नहीं है। तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों आगे हम लगातार बने हुए, जैसे ही रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा आप लोग को दोस्तों नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा, तो उसके लिए जरूरी है मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।